हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मिलाज अल्फा क्रीम, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इस क्रीम को। तो आज हम इस क्रीम के बारे में देखेंगे कि क्या ये क्रीम सच में गोरा करती है, क्या सच में आपकी पिगमेंटेशन को गायब कर देगी, और क्या सच में इफ़ेक्टिव है, और अगर है तो हमको इसको कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और कैसे इसको यूज़ करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस क्रीम के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा आपको ये क्रीम यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहीं आपकी स्किन तो ख़राब नहीं कर देगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये क्रीम आपको इजीली मिल जाती है। इसके लिए आई थिंक डॉक्टर सजेस्ट करता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, मेडिकल वाले ये क्रीम वैसे भी दे देते हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, भले ही वो देखा देखी यूज़ समझो कि किसी ने यूज़ की उसकी स्किन अच्छी हो गई, और देख के हम लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रीम है ये क्या काम करती है। सो ये जो क्रीम है ये स्किन का रंग निखारने के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। अब आप रंग निखारने का मतलब तो समझ ही गए होंगे, गोरा होना, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मानसिकता है, गोरा दिखना लोगों को बहुत पसंद होता है, गोरा दिखना। अब वो भले से क्रीम लगा के गोरे हों या फिर वो मेकअप करवा कर, अगर मेकअप करवाते हैं, अब देखिए मेकअप तो डेली हो नहीं सकता है, तो नेचुरली गोरा होने के लिए ये क्रीम मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। सो ये क्या करता है, ये स्किन के कलर को लाइट करता है और आपके जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है उसको कम करने के लिए ये स्किन पर यूज़ किया जाता है। सो देखिए किस तरह से वर्क करती है। तो ये जो क्रीम है ये जो हमारी स्किन के जो भी बाहर वाले जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, आपकी ऊपरी लेयर को ये रिमूव कर देती है और आपकी स्किन में एक नई स्किन बनती है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके दाग धब्बे होंगे, झाइयाँ होंगी, कोई भी निशान होंगे, एक्ने स्कार्स होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे, या फिर कोई भी काले दाग धब्बे किसी भी तरह के, वो आपको ठीक हो जाएंगे, वो आपके जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी और स्किन थोड़ी सी ग्लोइंग दिखने लगती है। ओके, सो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। सो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड मोमेटासोन, ये तीनों इसमें वर्क करते हैं, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है और हमारी जो स्किन है उसको ग्लोइंग बनाता है, हमारी एक न्यू स्किन बन जाती है और जो हमारी ऊपरी लेयर है वो बिल्कुल इसमें निकल जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। सो मैं बता दूँ, इसका यूज़ हमेशा आपको नाइट में करना है, डे में कभी भी इसको यूज़ मत कीजिएगा वरना आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। नाइट में इसको यूज़ करेंगे आप अपने फेस वॉश करके, अगर फेस पर यूज़ करना चाहते हैं आप और कोई अफेक्टेड एरिया पर यूज़ करना चाहते हैं तो अच्छे से वॉश करने के बाद में आपको उसको सुखा लेना है। आपकी स्किन गीली नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डैम्प स्किन होनी चाहिए। और उस स्किन पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह की ये ट्यूब फॉर्म में आती हैं, यू कैन सी। यहाँ पर देखिए इसके साथ एक लेबल भी हमको दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं डायरेक्शन, और इस तरह से ये देखिए ट्यूब फॉर्म में आती है। ओके, सो हमेशा आपको जब भी लेंगे तो सील पैक देख करके लेनी है, और देखिए आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के लगानी है, नहीं, भर भर के नहीं लगानी है, बहुत कम क्वांटिटी में आपको जो भी आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। और उस देखिए आप है ना, दिन में दो बार इसको यूज़ मत करना, आप सिर्फ रात को यूज़ करना, जो आपका स्किन टाइप है उसके अनुसार फेस वॉश करके उसके बाद में आपको जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसको अप्लाई कर लेना है अपने फिंगर की हेल्प से, और उसके बाद में इसको छोड़ देना है। मॉर्निंग में जब आप देखिए, जब भी आप ये हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन, मोमेटासोन ये वाले इंग्रेडिएंट्स एक साथ में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में फेस वॉश करके, जो भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग फेस वॉश करके, मॉइस्चराइजर अप्लाई करके और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करेंगे। धूप के कॉन्टैक्ट में जाने से आपको बचना है, क्योंकि धूप के कॉन्टैक्ट में जाने से आपकी स्किन बर्न हो सकती है, ख़राब हो सकती है।
अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कहीं पर इस क्रीम का। सो देखिए साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये क्रीम जब भी यूज़ कर रहे हैं तो पहले 2 डेज आप अपने ईयर्स के पीछे या फिर आप अपनी कलाई पर इसका पैच टेस्ट कर लीजिए। मीन्स कि 2 दिन आप इसको अप्लाई कीजिए और उस एरिया को आप मार्क कर दीजिए। अगर आपको वहाँ पर कोई भी रेडनेस, खुजली, ईचिंग, इरिटेशन किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर आप इजीली अपने फेस पर यूज़ कर लीजिए। देखिए सेंसिटिव स्किन पर ऐसी क्रीम्स यूज़ मत कीजिए क्योंकि ऐसी क्रीम यूज़ करने से स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। तो देखिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नज़र आ रही है तो फिर आप यूज़ इसका बंद कर दीजिए, इसको यूज़ मत कीजिए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं आपको कहूँगी कि कभी भी आपको डॉक्टर के सजेशन के बिना कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने बहुत देखा है, मैं सलोन है मेरा और यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं जिनको मैं देखती हूँ, बात करती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि लेडीज़ एक दूसरे की देखा देखी बहुत ज़्यादा करती है। मतलब कि जैसे उनके किसी भी नॉन ने ऐसी कोई क्रीम यूज़ की है और उनका फेस अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना डॉक्टर की सलाह लिए, बिना डॉक्टर के सजेस्ट किए वो वही क्रीम यूज़ करने लगती है। जबकि वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका और हमारा स्किन टाइप अलग है, हमारा जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमको यूज़ करने होते हैं, तो ये सोचे समझे बिना यूज़ करने लगती है। और मैंने काफ़ी लोगों की स्किन देखी है, आज ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो बोल रही थी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ये क्रीम्स वगैरह यूज़ करने के बाद में, जो इंग्रेडिएंट्स है देखिए इनके और भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो वो यूज़ करने के बाद में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और जो वो क्रीम का यूज़ छोड़ देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। मैं थोड़े वापस जो भी एक्ने स्कार्स, दाग धब्बे थे वो वापस से उनको हो गए। मींस कि उनका कहना ये था कि जब तक क्रीम यूज़ करते हैं तब तक उनको अच्छा फील होता है एंड क्रीम का यूज़ जब बंद कर देते हैं तो फिर उनको वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर है उनको पता है कि आपकी स्किन को क्या रिक्वायरमेंट है और जो आपकी स्किन को ज़रूरत है वही वो आपको बताएंगे, आपको सजेस्ट करेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेकर ही आप इसको यूज़ करेंगे। वैसे जो ये क्रीम है मेलानिन की मात्रा को कम करती है, ब्लीचिंग एजेंट भी है इसमें तो ब्लीचिंग का काम भी करती है और हमारी स्किन में अंदर तक जाकर जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है और हमारी जो स्किन का कलर है उसको थोड़ा सा लाइट कर देती है। लेकिन फिर भी देखिए इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जैसे डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर आपको ये क्रीम नहीं सजेस्ट करेंगे, हो सकता है आपको ये क्रीम सजेस्ट की हो लेकिन वो आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी आपकी स्किन को देखकर उसके हिसाब से बताएंगे। आपको इसके साथ में और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो भी वो आपको बताएंगे। तो इसलिए डॉक्टर के सजेशन से ही आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कभी भी डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ मत कीजिए। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें और मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली कई बार क्या होता है, मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं या तो गोरा होने के लिए यूज़ करते हैं या फिर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। पिंपल्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रीम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको यूज़ मत करना। अभी देखिए किसी किसी को अगर एलर्जी होती है, हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उनको हर कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, अस्थमेटिक पेशेंट है या फिर एक्जिमा है, सोरायसिस जैसी स्किन प्रॉब्लम है, तो ऐसी क्रीम्स यूज़ नहीं करें क्योंकि इसमें स्टेरॉयड है और स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए ऐसी क्रीम अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मत करें, वो आपके लिए सही नहीं रहेगी, ठीक है। और देखिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो फिर आप यूज़ मत कीजिए। अभी देखिए जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपके ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ करने से बचें, मीन्स कि वहाँ पर ये क्रीम आपके नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आपकी आँखों में ये क्रीम जाएगी तो आपकी आँखों में जलन हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ में इसको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने
ये जो कॉम्बिनेशंस हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कैसे यूज़ किए हुए हैं, कितने परसेंट इसमें हाइड्रोक्विनोन इसमें 4% है, ट्रेटिनोइन इसमें 0.025% एंड मोमेटासोन 0.1% है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डायरेक्शन फॉर यूज़ भी दिया हुआ है कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। डेली आपको इवनिंग में अप्लाई करना है। ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बी डिसाइडेड बाय फिजिशियन। देखिए यहाँ भी आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जो फिजिशियन आपको देवे टाइम, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। कभी भी फिजिशियन के, मतलब जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके बताए बिना आप ये क्रीम यूज़ मत कीजिए, ठीक है। प्रेगनेंसी है, अगर आपको देखिए यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रंस, 12 साल से छोटे बच्चे, मैं तो बोलूँगी 15, 16, 17 साल से छोटे लोगों को ये क्रीम यूज़ करनी ही नहीं है, ठीक है। सो जब भी आप ऐसी कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ ज़रूर से ध्यान रखिए, क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है और उसको वापस रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।